हरे कृष्णा। भगवान भगवद गीता में बताए हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को एकाग्र रखता है और एक गोल पे फोकस्ड रहता है, वो लाइफ में सारे सक्सेस को अचीव कर लेता है। लेकिन जिसकी बुद्धि अनेक विभागों में बटी हुई रहती है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये बहुत सारी शाखाएं हैं क्या? ये बहुत सारी शाखाएं जो हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं, अनेक तरह की इच्छाएं। हमारा जो शरीर है वो सेंसेस से बना है, इंद्रियों से बना है, और जब इंद्रियों को तुष्ट करने में हम पूरी तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं तो हम गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। जैसे कि आप देखे होंगे, कुछ लोग हैं जो अच्छी अच्छी मूवीज देखना उनको बहुत पसंद है, तो वो अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते। उसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक सुनना काफी पसंद है, तो वो क्लास के लेक्चर्स अच्छे से सुन नहीं पाते। फिर हम देख सकते हैं कि कितनी बार हमको लेट नाइट जग के मूवीज देखना, इधर उधर घूमना आदि चीजें पसंद होती हैं। लेकिन जब हम किसी फोकस लाइफ के पीछे बात करते हैं तो हमको ये चीजें क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। और इसीलिए भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना व बोधस्य योगो भक्ति दुःखः। जो व्यक्ति ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग रिक्रिएशन वर्क, ये जितनी भी चीजें हैं, अगर इसको कोई लिमिट में करता है, जितना जरूरत है उतना ही करता है, तो वो लाइफ में सारे सक्सेस को क्या कर सकता है, पा सकता है। और उसी को योगी बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम एक राजा की स्टोरी सुनेंगे। तो ये राजा का नाम है राजा नहुष, और ये श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, क्योंकि ये ययाति महाराज के पिता हैं। जो ये राजा नहुष है, ये चंद्र वंश में पैदा हुए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। चंद्र वंश के राजा नहुष जो हैं, वो बहुत पावरफुल राजा हैं, बहुत पावरफुल। इनकी जो प्रजा है वो बहुत प्रसन्न होती है इनसे, और ये चक्रवर्ती सम्राट हैं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब है पूरे पृथ्वी के राजा हैं, और इनके अंदर काफी सारे राजा हैं। होता क्या है कि जो इंद्र हैं, उन्होंने वृतासुर का वध किया है। वृतासुर एक ब्राह्मण है, और उसका पश्चाताप करने के लिए वो क्या करते हैं, तप करते हैं। तप करने के लिए वो वन में चले जाते हैं, और कमल की नाद में 1000 वर्ष तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वर्ग का जो राज्य है वो क्या है, खाली है। तो ब्रह्मा जी जो हैं, वो राजा नहुष से, क्योंकि राजा नहुष का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप स्वर्ग का भी राज्य देखिए और पृथ्वी लोक का भी राज्य देखिए। जब राजा नहुष को यह समाचार मिलती है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब राजा नहुष स्वर्ग लोक को जाते हैं, तो होता क्या है कि स्वर्ग लोक का वैभव देखकर उनकी जो बुद्धि होती है वो धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगती है। उस स्वर्ग का साम्राज्य देखते हैं, वहां का वैभव देखते हैं, वहां की नदियां देखते हैं, वहां की स्त्रियों को देखते हैं, तो उनका जो सेंस कंट्रोल है वो होने लगता है। तो उनको ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में जो कुछ भी इंद्र का है वो मेरा है। इंद्र का जो चामर है वो मेरा है, इंद्र के जो दास है, नौकर हैं, इंद्र का जो जित साम्राज्य है, जितना कुछ भी है, वो सारा वो सब किसका है, मेरा है। तो इंद्र की पत्नी भी किसकी पत्नी हो गई, मेरी पत्नी हो गई। ये गलत दुर्व्यवहार उनके मन में आ जाता है, और ये संदेश ये किसके पास भेजवाते हैं, इंद्र की पत्नी सची माता के पास भेजवाते हैं। जब सची माता को पता चलता है कि राजा नहुष ने, जो कि अभी इंद्र हैं, उन्होंने ऐसा संदेश भिजवाया है कि उनको उनके पास आना पड़ेगा, तो वो सहम जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारे पास संकट की परिस्थिति आती है तब हम गुरु की शरण लेते हैं या फिर भगवान की शरण लेते हैं। जो सची माता हैं वो देव गुरु बृहस्पति के पास जाती हैं। तो देव गुरु बृहस्पति उनको बताते हैं, जब वो सुनते हैं कि राजा नहुष ने सची माता को बुलाया है, तो वो काफी क्रोधित होते हैं। तो वो एक उपाय बताते हैं। उपाय क्या बताते हैं कि तुम राजा से बोलो कि मैं कुलवध हूँ, और सिंस मैं कुलवध हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन आपको नॉर्मली ऐसे नहीं आना है, क्यों? क्योंकि आप तो स्वर्ग के राजा हैं, तो आप वैभव के साथ आइए। आप क्या कीजिए
कि नॉर्मल कहार से अपनी पालकी मत ढुवाइए, आप सप्तर्षि से अपनी पालकी ढुवाइए और मेरे पास आइए। जब राजा नहुष को ये पता चलता है कि रानी ने जो सची माता है उन्होंने ऐसा संदेश भिजवाया है, तो राजा नहुष जो थे वो पूरी तरह से मद पागल थे, अपने पावर में पागल थे, तो बोले कि इसमें क्या दिक्कत है, मैं सप्तर्षि को बुला लूंगा। अब ये जो सप्तर्षि हैं ये ब्रह्मा के पुत्र हैं और ये डायरेक्ट मैनेजमेंट में नहीं रहते हैं, लेकिन ये गुरु तुल्य हैं इंद्र के, और उनसे ये क्या कर रहे हैं, अपनी पालकी ढुवा रहे हैं। किस लिए? अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। जब जो सारे सप्तर्षि हैं वो पालकी में लग जाते हैं और पालकी ढोने लगते हैं तो वो धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि वो नॉर्मल कहार नहीं है। तो ये जो राजा है ये पूरी तरह से उन्मत्त होने लगता है कि मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को जल्दी जाना है। तो इसमें क्या होता है कि वो सप्तर्षियों से बोलता है, सर्पा 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 जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी सिर को। तो जो अगस्त ऋषि हैं वो सप्तर्षियों में से एक ऋषि हैं, वो सारे ऋषियों को रुकवाते हैं और बोलते हैं कि यहीं पे पालकी रोकिए, और उस राजा को श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं? कि तुम सर्प सर्प बोल रहे हो, तुम अभी ही सर्प हो जाओ। जैसे ही राजा ये सुनता है कि उसे श्राप मिला है, उसका तुरंत जो शरीर है वो सर्प का हो जाता है। जैसे ही उसका शरीर सर्प का होता है, उसका सेंस सही जगह पे आ जाता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। वैसे ही जब हमको पोजीशन पावर मिलता है तब हम उसका क्या करने लगते हैं, गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, और भगवान की माया शक्ति हमको क्या करती है, दंडित करती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा गुरु साधु और शास्त्र के हिसाब से कार्य करना चाहिए। हम रावण का भी उदाहरण देखते हैं कि रावण जो था वो जानता था कि मेरा विनाश हो जाएगा, जो सीता है वो नॉर्मल स्त्री नहीं है, और उसको बहुत बार श्राप भी मिला था, फिर भी काम में वो इस तरह से प्रवृत्त था कि उसने सीता को कभी भी छोड़ा नहीं। उसी तरह हम अनेक जगह देख सकते हैं जहां पे काम के कारण व्यक्ति क्या होता है, परेशान होता है और धोखा ही खाता है। तो भगवत गीता हमको संदेश देती है कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि होना चाहिए, उसे भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करना चाहिए और हमेशा शास्त्रों के हिसाब से जीवन को निर्वाह करना चाहिए। जब हम शास्त्रों के हिसाब से निर्वाह जीवन को निर्वाह करेंगे तो हम अपने मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वास्तव में हमको अहंकारी नहीं बनना है, हमको यह समझना है कि वास्तव में हम भगवान के दास हैं। हरे कृष्णा।